आफ्टरनून, कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने अपने घरों में खुशहाल चुस्त तंदुरुस्त होंगे। और अभी दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर। सांभर मैंने बना लिया है और आलू उबाल करके रख लिए हैं और आज मैं सांभर और डोसा बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी तैयारी करके पहले से ही रख ली है। देखिए यहाँ पर ये नारियल है, ये कच्चा नारियल है, जो वो पानी वाला नारियल नहीं होता है उसी की ये गिरी है। ज़्यादा मोटी गिरी थी तो हमने सोचा कि चलो इसकी चटनी ही बना लेते हैं, पर आजकल ना नारियल के रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 90 रुपये का एक नारियल दे रहे हैं। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है ना उस चीज़ को वो लोग उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान हो और हर किसी के लिए ही इतना मुश्किल हो जाता है, अगर एक घर में मान लीजिए 4 से 5 लोग हैं और 4 से 5 लोग डेली ही वो नारियल पानी पी रहे हैं, तो सोचिए ज़रा अगर नारियल पानी पीते जाएंगे तो खाएंगे क्या, इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ जो है वो हम मतलब रीज़नेबल प्राइस पर देनी चाहिए। यहाँ देखिए मैंने ये हरी मिर्चें ले ली हैं, साथ में ये देखिए उबले हुए आलू मैंने उबाल करके रख लिए हैं, फोड़ करके भी रख लिए हैं और अभी इन्हें मैं फ्राई करने वाली हूँ। और साथ में यहाँ पर डोसा बैटर भी तैयार करके रखा हुआ है, तो ये देखिए इस तरीके से ये अच्छा फ्लफी सा हो गया है और इससे अब हम डोसा बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं तड़का लगा लेती हूँ। तरह से देखिए ये डोसे भी बनके तैयार हो चुके हैं, थाली लग चुकी है, सांभर मैंने पहले से ही बना लिया था और चटनी भी तैयार है। तो लीजिए आप सब भी खा लीजिए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। और अभी मैं बालकनी में आई हूँ और यहाँ पर देखिए एक टमाटर का जो पौधा लगा है, इसमें कितने ज़्यादा हेल्दी हेल्दी टमाटर लगे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जबकि मैंने इसमें कोई स्पेशल केयर नहीं दी है, पर फिर भी बहुत ही अच्छे टमाटर लगे हैं और देख के दिल खुश हो जाता है इनको। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये अलमारी रखी हुई है हमने गैलरी में और उसी के ऊपर यहाँ कबूतर आके बैठ गया है और इसने दे दिए हैं अंडे। और अपना छोटा सा ना एक बेकार सा घोंसला बनाया हुआ और उसी के ऊपर अंडे दे दिए हैं। और कहते हैं ना कि घर में कबूतर अगर घोंसला बना ले और अंडे दे दे तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताइएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हों। तो इन्होंने घर दे दिया, अब अंडे भी दे दिए, तो अब इसे मैं कहाँ फेंकूँ। और इतना ज़्यादा ढीठ हो चुका है कि देखिए मैं यहीं पर ही पास में वो जो सामने अलमारी दिख रही है ना उसी के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है और मैं यहीं पर मक्की छील रही हूँ ये भुट्टा, क्योंकि वो दिन भर बारिश हो रही है तो आज चलिए भुट्टे खाते हैं। और कबूतर इतना ज़्यादा ढीठ हो चुका है ना कि मुझे देख के उड़ता भी नहीं है, वहीं पर बैठा रहता है। वैसे मैं इसके खाने के लिए ना थोड़े दाने वाने यहाँ पर रख देती हूँ और पानी भी रखा हुआ है। तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज नोएडा में पूरा दिन बारिश रही है और इतना अच्छा सुहावना मौसम बना हुआ, लग ही नहीं रहा कि मई महीना चल रहा है, मई महीने में जबकि पहले कितनी गर्मी पड़ती थी। तो ये देखिए मैंने मक्की भून ली और मैं छत पे आई थी, थोड़ा सा मैंने देखा थोड़ा सा छत पे चलो माहौल भी देख लूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं छत पे आई नहीं, पहले तो कोरोना से इन्फेक्टेड थी और
उसके बाद थोड़ा वीकनेस रही और अब आई हूँ फाइनली, तो चलो मैं ये मक्की खा लेती हूँ। और बारिश में ना मक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और बारिश में मैं खा रही हूँ बूंदे। वो जो आप पीछे देख रहे हैं ना बाल्टी, उसमें मिट्टी भरी है, उसमें मैं पौधे लगाने वाली हूँ। ये देखो मैंने बाल्टी में ना मिट्टी भरवा के रख ली है, ये भी और ये भी। यहाँ पर देखिए ये नींबू का पौधा है, ये बिल्कुल सूख गया है जबकि बहुत ही अच्छा पौधा हुआ करता था। ये कागजी नींबू होता था जो कि बारहमासी लगता है, पर इसमें ना अभी भी हल्की हल्की ये हरी हरी स्टेम दिख रही है ना, ये हल्की हल्की गर्मी की वजह से सूख गया होगा। ये हल्की हल्की हरी स्टेम दिख रही है, इसी को मैं इस बड़ी बाल्टी में लगाने वाली हूँ। और ये मिट्टी पता है हमने कहाँ से भरवाई है, ये देखो नीचे ना सबर सीवर की खुदाई चल रही है, ये देखो सारा खुदाई चल रही है समर सीवर की, तो यहीं से ही ये मिट्टी मैंने भरवा के रख ली। बहुत अच्छी मिट्टी लग रही थी मुझे, और अब इसमें मैं प्लांट लगाने वाली हूँ। देखो कैसे समर सीवर की खुदाई, नए सीवर डाल रहे हैं और सारा यहाँ पे ना गेट के बाहर निकलने का मन नहीं करता, सारा गच गच हो रखी है मिट्टी की। और अब बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा बेकार लग रहा है, कीचड़ी कीचड़ हो गया है। तो जब भी टाइम मिलेगा तब मैं लगाऊंगी, इनमें पौधे लगाऊंगी, इसमें तो यही वाला लगवाऊंगी और इसमें देखती हूँ मैं क्या लगाती हूँ। और इसमें खाद रखी हुई है, चलो मक्की खा ली है और हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही है बारिश। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी भी रिमझिम रिमझिम हो रही है बारिश की, मेरे पैर भी गीले हो रहे हैं। तो देखो नोएडा जैसी जगह पे मई महीने में इतना अच्छा सुहावना मौसम हो रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कुदरत ने ठीक है पेंडेमिक डिसीज़ तो फैलाई है, लेकिन मौसम का भी खूब अच्छे नज़ारे दिए हैं। पेंडेमिक डिसीज़ से बचने के लिए बस आपको अपनी इम्यूनिटी ही स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने बीच अंदर ना विश्वास रखना है। मैं जिस स्टेज से निकली हूँ गुजरी हूँ, मुझे पता है कि मैंने किस चीज़ को फ़ेस किया है, क्या चीज़ फ़ेस किया वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। मैं ना एक वीडियो बना रही थी पेंडेमिक डिसीज़ के ऊपर ही, मैं सोच रही थी कि अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ, तो वीडियो बनाते बनाते मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा रो रही थी। लेकिन मैं वही है, फिर भी मैंने पॉजिटिविटी रखी और अपने मन में विश्वास रखा, तो आज मैं देखो जीत गई हूँ। और मैं आपको वीडियो का वो क्लिप थोड़ा सा शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से परेशान हो रही थी और किस तरीके से मतलब मुझे ऑटो ही रोना आ जा रहा था, मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शेयर करूँगी। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और अपने आप को तो इस कोरोना के इस भयानक टाइम में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं चलिए एटलीस्ट सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पेंडेमिक डिसीज़ से बचे रहिए। ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए, और बाहर भी निकल रहे हो तो दो दो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र हाथ में रखिए और डिस्टेंस बनाए रखिए। इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर प्रिकॉशन रखिए, ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक डिसीज़ मतलब ये जो कोरोना है ना, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बट ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है अगर टाइम पर नहीं संभाली तो। और टाइम पर संभल गई तो फिर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं बहुत हो गई बातें और इस ब्लॉग का एंड में यहीं पर करती हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।